हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा मुस्तफ़ाबाद धर्मपुरा लाहौर। आज हम आपके लिए फ़ूड की एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा इलाका धर्मपुरा खाने के हवाले से जो है वो काफ़ी मशहूर हो भी चुका है, इसी तरह की आज हम आपको एक रेस्टोरेंट पर लेकर आए हैं जो कि अपनी खासियत में बिल्कुल ख़ास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी तस्वीरें और जो है तस्वीर कशी भी की गई है। यहाँ के ऑनर उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने की उनकी ऐसी क्या खास वजह थी और यहाँ पर मेन्यू में वो क्या क्या दे रहे हैं, भाई उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ बनू बीफ ब्लॉग के ऑनर सप्तान हैदर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर मेन्यू में क्या क्या दे रहे हैं और इनका यहाँ पर इस अनोखे तर्ज का रेस्टोरेंट खोलने का जो है वो क्या इनका मनसूबा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये ब्रांच आपकी धर्मपुरा में कौन सी ब्रांच है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है? सर, ये हमारी ना फोर्थ ब्रांच है धर्मपुरा में। इससे पहले हमने जो है वो ओपन की है मेन ब्रांच बुरजी में, उसके बाद जौहर टाउन, मॉडल टाउन, और ये चौथी ब्रांच है। इसके बाद जो है हमारी ब्रांच वो ठोकर न्याज बेच पे है, पाँचवीं। तो माशाल्लाह सर, ब्रांचेज आपकी बड़ी प्राइम लोकेशंस पे हैं और धर्मपुरा उसके लेवल का भी नहीं है, तो यहाँ पर खोलने की कोई खास वजह आपकी ब्रांच यहाँ पे? सर, असल में जब चपुरजी पे हमने स्टार्ट किया था ना तो बहुत सारे लोग गढ़ी शो से, धर्मपुरा, सदर बाज़ार, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया इस पुलाव को, तो और मज़ीद बार बार उनकी ये भी फरमाइश थी कि आप धर्मपुरा में भी आएँ, तो उनकी फरमाइश पर हमें से ओपन किया। तो माशाल्लाह ये सेटअप आपने बड़ा यूनिक रखा है और सब रेस्टोरेंट से अलग है, इसकी आपने कोई खास वजह? सुल्तान राय साहब की तस्वीर आपने लगाई हुई है। इस जो है ना सेटअप को इस तरह लाने की वजह सिर्फ यही है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ना दूसरे स्टाइल में इसको बनाया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ प्लान था कि इसको कोई ढाबा स्टाइल में या इसको कोई विलेज टाइप का या पेंडू टच दिया जाए, उसको मद्देनज़र रख के हमने इस ब्रांच को जो है ना वो रेनोवेट किया है। चलिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा सर, जहाँ पर सेटअप जी है और अच्छी, ये जो बोल आपने लिखे हुए हैं ये किसके हैं, मतलब तकलीफ ये बताएँ? सर, ये लोगों को जो है ना वो खुश करने के लिए हैं, कुछ लोग इसको देखते हैं और इसको पढ़ने के बाद वो बड़े हैप्पी होते हैं इसको और इन्जॉय भी करते हैं। बस मेन्यू में सिर्फ हमारा जो है ना मेन आइटम जो है वो बीफ पुलाव है, इसके साथ जो है ना इसके लवाजमात हैं, रायता है, सलाद है, खीर है मीठे में और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है। तो अक्सर देखते हैं कि लोग जो है वो प्लेट वगैरह के हिसाब से देते हैं, आपने यहाँ पे किलो का भी कोई सिस्टम रखा हुआ है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसका वेट के हिसाब से ना ये बिकता है, इसकी कैलकुलेशन ही वेट के हिसाब से आती है, तो उस वजह से हमने इसको किलो के हिसाब से रखा है। जैसा कि नाज़रीन आपने जाना कि सप्तान हैदर साहब से कि यहाँ पर हमारे धर्मपुरे में बनू बीफ पुलाव जो कि चबुर्जी का बड़ा मशहूर जो है वो पुलाव भी है, आज इसकी ब्रांच जो है धर्मपुरे में भी ओपन हो चुकी है, आप सबसे कम रिकमेंड करेंगे अगर यहाँ पर आएँ विज़िट करें और एक बार टेस्ट लाजमी करें चबुर्जी मिठाई वाले चौक से। और टेस्ट वाइज मैं सिर्फ एक शौक के लिए वहाँ से यहाँ पर इससे आया हूँ कि वहाँ का टेस्ट तो अच्छा है ही है, यहाँ का और भी अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट टाइम लगे यहाँ पर, आज फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैंने उनसे फ़ोन पर रब्ता किया, उन्होंने बताया कि जी यहाँ पर भी नई ब्रांच खुली, मैंने कहा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मैंने कल इधर फेसबुक पे इनका ऐड देखा है और आज हमारा प्लान बना खाने के लिए और हमने काफ़ी खाई है, गढ़ी शो से आया, काफ़ी बहुत टेस्ट अच्छा है, हमें तो बहुत बच्चों ने भी, और स्पाइसी भी नहीं है, बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं, और इनका वो जो बीफ की क्वांटिटी भी उसमें चावलों में बहुत ज़्यादा है और चावल भी बहुत अच्छे हैं। ये तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि लोग भी चीज़ बेहद पसंद कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट भी यह बड़ा अपने लुक वाइज भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, हम आप सबको रिकमेंड करेंगे कि आप सब लाजमी यहाँ पर आएँ, एक बार विज़िट करें और यहाँ का टेस्ट करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक अपने मेज़बान और मेरा मुस्तफ़ाबाद टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।